लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति से परसेंट एंड आपको 2.5 एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। 4 हमने पहले कर लिए थे, सेम वैसे ही है। देखो क्या होगा इसमें, उसमें हम एलसीएम लेते थे, यहाँ एलसीएम ऑलरेडी ले रखा है तो हम अलग अलग कर देते हैं। एक्स बटे 3 माइनस 5 बटे 3 बराबर एक्स बटे 5 माइनस 3 बटे 5। एलसीएम यहाँ पे आ ही गया, अब एलसीएम लो भाई, सॉरी पहले इसको एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से पहले x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड, तो x बटे 3 माइनस x बटे 5 बराबर माइनस 3 बटे 5 प्लस में 5 बटे 3। ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया। एलसीएम भाई 15, 3 पंजे 15 और 5 की x से गुणा करी 5x माइनस 5, 5 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15 और 3x बराबर, इसका एलसीएम लिया भाई 15, 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15 और 3 दिया 9, 3 पंजे 15 कैंसिल, या फिर यहाँ से ये करें कि ये भाग में है इस साइड आके और इस साइड गुणा में जाएगा तो भी कैंसिल, बात वही है। तो कितना आ गया भाई 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा में इस साइड आके भाग में, 2 8 16, तो x बराबर 8, ठीक है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, छठा। अगला है भाई 3t माइनस 2 बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस टी, ठीक है ये दे रखा है। कैसे करेंगे, टी वाले इस साइड ले आते हैं, वो माइनस टी है इस साइड आके प्लस टी हो जाएगा, 3t माइनस 2 बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय, ये टी है और ये प्लस, ठीक है ये माइनस का टी है ये प्लस का टी हो जाएगा बराबर भाई 2 बटे 3 चल रहा है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 4 दी है 12 एलसीएम, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 तो 3 से गुणा हो जाएगी, 3t माइनस 2 ये माइनस है ही, 3 चौक 12 4 की गुणा इन दोनों से होगी ये ध्यान रखना, 2t प्लस में 3, यहाँ से 4 3 12 देखो इसके बटे में 1 है तो क्या जाएगा प्लस में 12 3 बराबर में 2 बटे 3 चल ही रहा है। यहाँ से 9t 3 दुनी 6, ठीक है माइनस 4 दुनी 8 टी माइनस 4 दिए 12 जमा में 12 टी बटे 12 बराबर 2 बटे 3, ठीक है। अब यहाँ टी वाले देखो, एक तो ये रहा 9 टी और माइनस 8 टी, 9 टी में से 8 टी गए 1 टी, तो 1 टी बचा भाई और जमा में 12 टी है, यहाँ से माइनस 6 माइनस 12 तो कितना आएगा माइनस 18 बटे 12 बराबर 2 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ से 13t माइनस 18 बटे 12 बराबर 2 बटे 3। एक तो ये तरीका है कि इसको अलग अलग कर दे जैसे हम इससे पिछले क्वेश्चन में करके गए थे, और या फिर एक तरीका ये है कि इसमें आर पार की गुणा करते हैं, उसमें भी हो सकता है उसका वो दूसरा तरीका करके देख लेना अगर आ जाए तो। इसको 3 से गुणा कर दो, 13t माइनस 18 को हम गुणा कर दें भाई 3 से, ठीक है बराबर 12 दुनी 24, ठीक है। तो 13t की इससे करी, 13 3 39 माइनस 18 3 54 बराबर 24, तो क्या आएगा भाई 39t बराबर 24 प्लस में 54, यहाँ से t बराबर ये कितना आएगा 78 और ये गुणा में है तो भाग 39 दुनी, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अगला देखें भाई। क्वेश्चन है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3 ये दे रखा है, ठीक है। तो m वाली संख्या एक साइड, m माइनस 1/2 प्लस में m माइनस 2/3 बराबर में 1 चल रहा है। एलसीएम लिया भाई, 6 आया, ठीक है। जब एलसीएम ले लिया तो 6 आया यहाँ से, अब देखो 6m होगा, माइनस 2 × 3 6 3 की गुणा m माइनस 1 से, प्लस 3 × 6 2 की गुणा m माइनस 2 से बराबर 1। यहाँ से 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस में 2m माइनस 4/6 बराबर 1, ठीक है। ये 6 भाग में इस साइड आके गुणा में हो जाएगा, तो 6m माइनस 3m कितना होगा भाई, 3 × 2 6 × 2 8 8 में 3 गए 5m प्लस माइनस 1/6 बराबर, ये 6 भाग में इस साइड आके गुणा में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, ठीक है, तो इस साइड आके प्लस का 1 होगा, तो 5m बराबर में 6 + 1 7, तो m बराबर कितना आंसर आ गया, 7/5। ये m माइनस 2/3 था, ये माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो गया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीका हमारे पास इसके बटे में 1 था, तो 6 को 1 से भाग करेंगे, तो 6m माइनस 2 को 6 से भाग करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 6 यहाँ से दोनों से 3 से गुणा होगी, और यहाँ भी ऐसे ही 2 से गुणा होगी, तो 3 की m से करी माइनस 3m, माइनस माइनस क्या होती है प्लस 3, 2m माइनस प्लस माइनस क्या होती है माइनस, यहाँ से सोल्व कर लिया और आंसर आ गया, ठीक है। इसे अगला देखें भाई, थ्री इंटू टी माइनस थ्री इक्वल टू 5 × 2t + 1, ठीक है। तो गुणा कर दे पहले, 3 × 9t - 9 = 5 × 10t + 5, वही प्लस माइनस, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, 9t, ये 10t है, तो माइनस 10t इधर बराबर 5, ये माइनस का 9 है प्लस का 9, 9 में से 10 गया भाई माइनस टी बराबर 5 × 9 = 14, तो टी बराबर आंसर कितना आ गया, 3t - 3 = 2t + 1। देखो 3 की टी से गुणा करेंगे तो 3t - 9 = 10t + 5, अब देखो 3t - 10t = 5, ये ना यहाँ जाके प्लस का नो, तो भाई -7t = 14, t = 14/-7, 7 × 14, तो टी का आंसर कितना आ जाएगा भाई -2, वहाँ गलती हो गई थी, 3 की t से गुणा कर दिया ओनली, तो 3t आएगा, ठीक है। 3 से करी -9, 5 × 10t + 5 = 5, यहाँ से ये प्लस का 10t था इस साइड आके माइनस का हो गया, 3 में से 10 गया 7, और ये माइनस का 9 इस साइड आके प्लस का 9 हो गया, तो 14, यहाँ से ये -7 था बटे में गया, माइनस बटेगा नहीं क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है, 7 × 14, तो -2। इसके क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाएंगे, आगे क्वेश्चन अगर होते हैं तो ट्राई करें, ना तो मैं करूँगी। आशा रखती हूँ U3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा, उम्मीद रखती हूँ आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।